बच्चों के अपहरण के प्रयास की खबर से नगर में दहशत। पुलिस ने की शहर की नाकाबंदी। दो अलग अलग घटनाओं की खबर में पुलिस टीम जुटी जांच में। जी हां, नगर में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब वार्ड 8 में मनसापूर्ण मंदिर के पास के निवासी अपने 16 वर्षीय पुत्र कुलदीप दुबे के साथ नगर थाने में आकर एक लिखित आवेदन देकर बताया कि उनके पुत्र के साथ अपहरण करने का प्रयास हुआ है और जिसकी पूरी घटना की जानकारी एक लिखित आवेदन में पुलिस को दी। आवेदन के आधार पर पुलिस घटना स्थल की जांच पड़ताल के साथ सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर रही थी कि पुलिस को एक दूसरी सूचना प्राप्त हुई। पुलिस के अनुसार एक महिला सुनीता रघुवंशी ने सूचना दी कि वार्ड 8 में एसडीएम बंगले के पीछे के एरिया से एक मोटरसाइकिल पर दो युवक एक बच्चे को जबरन लेकर जा रहे हैं। सूचना पाकर शहर थाना प्रभारी सुमी देसाई तत्काल घटना स्थल पर पहुंची। पूरी जानकारी लेने के बाद जांच प्रारंभ की गई। क्षेत्र में चारों तरफ नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश गंज वासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। मोटरसाइकिल का कलर कौन सा है? ब्लैक कलर। पल्सर है? बच्चों का अपहरण करने का प्रयास किया गया। हाँ, 11 बजे की सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी बच्चे को कोई लोग दो लोग पकड़ रहे थे और छोड़ दिए। इस पर से तत्काल TI और टीम को भेजा गया अंकुर स्कूल की गली, जिसमें CCTV के फुटेज देखे गए। उसमें ना तो बच्चे की उपस्थिति मिली और ना आरोपियों की उपस्थिति मिली। अन्य मार्गों पर जो सूचना मिली हुई उसकी तस्दीक की जा रही है। इसी बेदनखेड़ी से एक सूचना मिली कि बाइक पर ब्राउन शर्ट और ब्लैक जर्किन में बीच में एक बच्चा बैठा है जो ऐसा लगता है कोई पकड़ के ले जा रहा है, जिसकी तस्दीक भी की गई है। चारों तरफ नाकेबंदी लगाई गई है। आसपास नाकेबंदी और सर्चिंग अभियान जारी है। प्रथम जो चोट नहीं है, परिवारजनों का कहना है कि इसके चोट के निशान है उसको? नहीं नहीं, उसको तो बच्चे को ऐसे नहीं है और बच्चे से जांच की जा रही है। अगर चोट होगी तो मेडिकल करवा कर वैधानिक कार्रवाई बच्चे के की जाएगी। थाने में ऐसी सूचना नहीं, एक आवेदन उनके पिताजी ने दिया है तो उस पर उससे पूछताछ करके वैधानिक कार्रवाई।